यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स और जो सेक्युलर दिमाग रखने वाले यहाँ पे हैदराबाद के रिटायर्ड जजेस, रिटायर्ड वर्कर्स और अभी एनजीओस सब जमा हुए हैं, एक प्रोटेस्ट मीट रखे हैं और साथ ही साथ प्रेस को एड्रेस करें। आज के हालात जो मुल्क के देख रहे हैं, तो आज हमारे पे एक बड़ी जिम्मेदारी आ रही है, जहाँ पे एक डेमोक्रेसी का खात्मा करने की कुछ ताकतें जो हिडन एजेंडा से आज काम कर रही है, जिस तरीके से उन लोगों का जो एक्टिविटी है और जिस तरीके से उनके पीछे जो पैसा लगाया जा रहा है, बिल्कुल ही साफ साफ ये दिखती है कि एक साजिश है। और इसमें इंडिया अगेंस्ट करप्शन की बात कर रहा हूँ, ये जो इदारा है, जो एनजीओ है, ये अब तक 300 से 400 करोड़ रुपए खर्च चुका है। तो ये मैं नहीं समझता हूँ कि एक साल के अंदर ऐसा कोई इदारा हो सकता है जो 300 से 400 करोड़ रुपए जमा करके खर्चता है, जब तक कि उसको कोई ताकत पीछे साथ नहीं दे रही है। तो हमारे सोचने के बाद हमको ये बिल्कुल आज खुला दिख रहा है कि आरएसएस का एक बहुत बड़ी साजिश है। और जहाँ तक हम देखे हैं कि अन्ना हजारे जब ये शुरुआत करे थे, एक अच्छी तमन्ना से करे थे कि मैं करप्शन के खिलाफ लड़ूंगा, मगर जब वो पॉपुलैरिटी उनकी देखी गई तो उनके साथ जो रहने वाले आज उनको ही धोखा दिए हैं, अरविंद केजरीवाल और प्रशांत भूषण और शांति भूषण और ये सब लोग आज अन्ना हजारे को इस्तेमाल करके अन्ना हजारे को आज धोखा दे के एक अपना खुद पॉलिटिकल पार्टी बोल के ला रहे हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये बीजेपी का एक हिस्सा है। और कांग्रेस की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी को, कांग्रेस की बढ़ती हुई चाहत को देखते हुए बीजेपी अपना दम तोड़ चुकी है, और वो दम जब तोड़ी है तो वो चाहती थी एक और एक ऑर्गेनाइजेशन हो जिसमें ये पढ़े लिखे लोग को गुमराह करें। तो और ये इंडिया करप्शन करके एक वेब बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ है। मैं आज प्रधानमंत्री से, होम मिनिस्टर से डिमांड करता हूँ कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर सीबीआई इंक्वायरी की जाए, उसके पास जो पैसा आया उसको इनकम टैक्स इंक्वायरी की जाए, और जो वो आज कर रहे हैं, जो मुल्क के कानून के खिलाफ जो लाइट काट दे रहे हैं, लाइट छुड़ा दे रहे हैं, पानी काट दे रहे हैं, पानी छुड़ा दे रहे हैं, इसके ऊपर उनके ऊपर केस रुक किए जाए और उन ऐसे पागल आदमी को रोड पे फिरने से बदल जेल में रखना बेहतर है और इमीडिएटली करें। और मैं चैलेंज कर रहा हूँ हमारी पार्टी के तरफ से कि अरविंद केजरीवाल को आप आंध्र प्रदेश में आइए, आप कहाँ पर फिर सकते हैं, कहाँ पर फिर सकते हैं, हमारे खिलाफ़ बात करके हम भी बताएंगे। हम भी आपके जैसे आप लोगों के घरों पर घेराव कर रहे हैं, हमारी पार्टी और हमारे जाने वाले भी आपके घरों पर, आपके रास्ते पर, आपके डेमोक्रेटिक तरीके से हम घेराव करेंगे, आपके खिलाफ हमारी आवाज़ उठाएंगे। हम किसी पर्सनल एजेंडा नहीं लेके चल रहे हैं, हमारा एजेंडा एक ही है कि भाई पॉलिटिक्स करना है तो आप पॉपुलर पॉलिटिक्स करिए, काम करिए, काम करके वोट मांगिए। अगर कांग्रेस पार्टी हारती भी है तो जिम्मेदारी से अपोजिशन में बैठने तैयार है, मगर ऐसा पर्सनल वेंडेटा किसी के ख़ानदान के अफराद पे, किसी के पर्सनल लाइफ के ऊपर करना बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है। मैं आज किरण कुमार रेड्डी साहब की तारीफ कर रहा हूँ,
कि वो भी यही चाह रहे हैं कि भाई हम पॉपुलैरिटी से काम करें, हमारे स्कीमात गरीबों तक ले जाएं और उसके बाद वोट मांगें। मगर हम इस तरीके का जैसा चंद्रबाबू नायडू और ये जो केजरीवाल ग्रुप जो वेंडेटा कर रहे हैं, वेंडेटा बिल्कुल गलत है। हम इसको बड़े स्ट्रांग वर्ड्स में कंडम करते हैं और बड़ी खुशी की बात यह है कि संडे का दिन होने पर भी हमारे साथ इतने ज़्यादा लोग यहाँ पर गैदर हुए, हमारे चाहने वाले सिक्योर लोग। और प्रेस को भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी आज संडे के दिन हमारा सब साथ दिया है और हमारी आवाज़ लोगों तक पहुँचाई है।